Hello everybody, come here, my site Facebook, इधर ही आ जाओ आप, यहाँ अच्छा लगता है, not पाबंदियाँ, मैं आपको different different texture दिखा रहा था, different different texture, matchbox, One, two, three, four, five, six, भगवान जाने क्या हुआ मैडम जी. हाँ वो देना, यहाँ पे डालना, मटेरियल डालना. आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को, फिर मैंने कहा वहाँ से बाय करो, इसलिए मैं यहाँ आ गया. मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर दिखा रहा हूँ. एक्चुअली हम थोड़े छोटे छोटे बोर्ड बना रहे थे, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊँ कि छोटे छोटे टेक्सचर में. और देना विशाल मटेरियल थोड़ा सा, कैसा लगता है? कर दिया मैंने मटेरियल किसी और काम के. रुक जाओ, थोड़ा सा दे दोगे तो क्या हो जाएगा. वेरी कंजूस मैन प्रोफेशनल. देखो तो बॉर्डर नहीं को थोड़ा सा देना. ये फैचुला आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है फैचुला, पता नहीं फैचुला फर्चुला क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं फर्चुला. माता जी, ऑल वी विल टेक लाइक टैक्स है ना. वन टू थ्री फोर. पाउडर मिक्सिंग बहुत पतला कर रहे हो, कैसे कर रहे हो टेक्सचर? कर दिया मैंने. देना नाइफ, देना विशाल. थोड़ा पतला पाउडर, पतला होने के कारण ना आपका टेक्सचर नहीं आ पा रहा है. एक सेकेंड देना विशाल जी, के काम थोड़े ऐसे ही हमारे. क्या करूँ, वो नाइफ मेरे को चाहिए. रुक जा, तू कर. ये कहाँ से आया बोर्ड? अच्छा मुझे नाइफ चाहिए. ये क्या मांग रहा हूँ, चिंते थोड़ा मांग रहा हूँ. इतना ठीक चाहिए. अच्छा
आने के बाद ये ड्राफ्ट करके आएगा, नहीं कैब से जाएगा हमारे। ओके बड़ी फेस अभी ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा मटेरियल गलत बन गया थोड़ा सा। अभी भी थोड़ा पतला है लेकिन हाँ आ रहा है जो मैं चाह रहा हूँ ना वो चीज़, थोड़ा सा और मोटा होना चाहिए। तो ये हमारा ये एक वॉल का लुक देगा। अब इसके वॉल का लुक के लेके हम कोई भी बना सकते हैं इसको ना, जैसे डिफरेंट टेक्सचर टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर। हेलो नीता दीदी कैसे हैं आप? नीता दीदी पेपर क्राफ्ट बहुत अच्छा करते हैं हमारे बॉम्बे में मैम के पास रहे, हमें घर में इनवाइट किया था मैडम ने, नीता दीदी ने। आप लोग जो जो लोग अमेरिका से जुड़े हुए हैं, अमेरिका में हमारी बिंदु मैडम है, अमेरिका में आप बिंदु मैडम से कांटेक्ट कीजिए। बहुत जल्दी मैं दुबई और अमेरिका में वर्कशॉप कराने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आपस में कांटेक्ट में रहें मैडम से, बिंदु हमारी मैडम अमेरिका से। दुबई से हमारी मैडम है आशु मैडम, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आशु मैडम। ममता क्रिएशन मैडम हमारी आ गए हैं, ममता मैडम अपना नंबर दे दीजिए। ममता क्रिएशन 4 तारीख से वर्कशॉप है, 4 तारीख से लेके 12 तारीख तक हमें चेन्नई में ही हूँ, तो आप प्लीज़ ममता क्रिएशन मैडम से कांटेक्ट में रहें चेन्नई वाले लोग। ममता क्रिएशन पिरंगुड़ी ममता गुप्ता मैडम प्लीज अपना नंबर दे दीजिए। प्लीज वीडियो शेयर कीजिए आप। इस पेंटिंग का बेस है हमारा प्लाई बोर्ड पे मैंने कैनवस लगाया है, आप किसी भी कैनवस को यूज़ कर सकते हैं, मेरे को तो प्लाई बोर्ड पर कैनवस मिल गया था तो इसलिए मैंने ये किया है। विशाल जी क्या कर रहे हैं आप जो आपको दिखाऊं मैं, ऐसा कौन सा तीर मार रहे हैं आप? विशाल जी जो साइडों में हमने लकड़ी लगाई है, हमने बॉक्स फ्रेम बनाया है, इसको कहते हैं बॉक्स फ्रेम। दिखाइए विशाल जी क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं, बताइए साइड है, बताइए ना, वैसे ही बता दो मुंह से। ये देखिए ये हमने हम इसको फ्रेम नहीं कराएंगे क्योंकि ये ग्रुप पेंटिंग है, तो दीवार पे फ्रेम नहीं होगी क्योंकि इसमें एक पार्ट फ्लावर का आधा इस पे है तो आधा दूसरे पीस पे है, तो हम इसको एक एक इंची या आधा इंची के गैपिंग पे वॉल के ऊपर लगाएंगे। तो आपने नीचे से साइडों से लकड़ी लगा दी है, तो हमने इधर से इसमें लकड़ी ज्वाइंट की है। हम इसको एक सिक्वेंस में भी ले सकते हैं और रेक्टेंगल में भी, एवरी साइड वी कैन यूज दिस। ओके हो गया, बैकग्राउंड डाल दो माता जी। लोगों की डिमांड है ब्लू बैकग्राउंड, डिसाइड हुआ है आप लोगों की पसंद से ब्लू, तो हम इसको ब्लू बैकग्राउंड में लेते हैं। हाँ जी माता जी ब्लू, नो लाइट ब्लू नहीं, डार्क ब्लू लीजिए माता जी, एंड मिक्स मीडिया करके लेंगे थोड़ा सा कलर भी मिक्स मीडिया कलर हाँ या ब्लू ले लेंगे, एक्रेलिक ब्लू। ब्लू
ब्लू, हाँ ऑली ब्लू एंड क्रिम्सन, क्रिम्सन दिस कलर वेरी नाइस। हाँ इसको साथ साथ लेके चलेंगे। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लाइट माता जी पोस्टर फेवरी। ओके ओके राजस्थानी पेंटिंग जितनी कलरफुल हो उतनी अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रहा हूँ। थोड़ा सा राजस्थानी लुक आएगा। ग्रीन तो भाई आपका राजस्थान में अगर ग्रीन ना हो तो राजस्थानी पेंटिंग का लुक ही नहीं आता है। और जो बच्चों के लिए ये कलर बहुत सुंदर लगते हैं, बच्चों को कलर जितने ज़्यादा आप कराओगे उतना बच्चे इंजॉय करते हैं। तो बच्चों को ना कलर का ज्ञान होता है, कलर की नॉलेज होती है। जितने ज़्यादा हो सके आप कलर यूज़ करवाएं बच्चों की नो पेंटिंग। बच्चों को जब भी कभी सिखा रहे हैं इस बात का खास ध्यान दें आप लोग, बहुत सारे कलर्स हों पेंटिंग में। जब भी कभी बच्चों को पेंटिंग सिखाएं, चाहे वो कोई भी पेंटिंग हो, कोशिश ये कीजिए सब्जेक्ट ऐसा हो कि उसमें कलर बहुत सारे आ जाएं जिनसे बच्चों के कलर की नॉलेज हो। आपके बच्चे अगर 3 या 4 साल के हों, 2 के, तो उसे कलरफुल टॉयज दें ज़्यादा से ज़्यादा, और कलरफुल ड्रेसेस बनाएं, तो उनका माइंड थोड़ा उससे ओह अच्छा है। थैंक यू विशाल जी। विशाल जी कह रहे हैं छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 साल से दो ऊपर साल से ऊपर बच्चों को कलरफुल ड्रेस पहनाइए और बहुत कलर वाली, ताकि बच्चे कलर की टॉयज नॉलेज ले सकें। खुश रहते हैं, नॉलेज रहते हैं टॉयज। माता जी टू कलर्स हैंडल। टू कलर मिक्सिंग, नो कंजूसी। एक्रेलिक कलर में कंजूसी करेंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। ज़्यादा ज़्यादा कलर, ज़्यादा ज़्यादा कलर, ज़्यादा ज़्यादा। ओके एक्रेलिक कलर में वन कोट देने के बाद सेकंड कोट आप दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले एक कोट दे दें फिर सेकंड कोट दें, तो उससे जो आपका पेंटिंग कैनवस है वो कवर हो जाता है। अभी जैसे आपने ये कलर दे दिया है ना, इसके बाद सेकंड कलर हम जब देंगे तो उससे थोड़ा पक्का हो जाएगा हमारा कलर। बालों को हम ब्राउन कर देंगे। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई बात। ममता क्रिएशन मैडम तो मेरे को देख तो रही हैं, नंबर नहीं डाल पा रही। मैडम जी खाना बाद में बना लीजिएगा, नंबर डाल दीजिए ममता क्रिएशन। हमारी चेन्नई की मैडम है ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र मेरी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, यही हाल हमारे बॉम्बे में था, यही हाल हमारा पूना में था, सेम हाल हमारा चेन्नई में है। कहाँ बिजी रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइज़र। मेरी आवाज सुनो ममता मैडम, नंबर दे दो। मेरी आवाज सुनो, हमारी पल्लवी जी पूना से नहीं सुन पाई आवाज। हमारी मैडम, हमारे सर राके पटेल हेलो जी
नहीं सुन पाए आवाज़, हमारी मैडम ममता जी नहीं सुन पा रही आवाज़, वेरी सैड। वही विशाल जी डाल देंगे नंबर चेन्नई वालों के लिए, ममता कृष्ण जी का नंबर डाल देंगे विशाल जी। माता जी आप में से किसी को मैडम का नंबर पता है तो ममता क्रिएशन वालों को नंबर डाल दें प्लीज़, ममता क्रिएशन चेन्नई पिरगुड़ी। अगर जो आप लोगों को नंबर पता होता है तो हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं इनका नंबर डाल दिया कीजिए, ऑर्गेनाइज़र हमारे बहुत बिज़ी रहते हैं तो उनका नंबर डाल दें ताकि वो लोग कांटेक्ट कर सकें चेन्नई वाले लोग। ममता मैडम मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही, क्यों जी? सेकेंड टाइम ना माता जी, सेकेंड टाइम गेटअप। वाओ बहुत कलरफुल हमारी पेंटिंग्स हो गई हैं, गोल्डन गोल्डन कलर। यू एंजॉय माता जी? एंजॉय? यू स्लीपिंग? विशाल हो गया तुम्हारा काम? गोल्डन है क्या लीक? जस्ट आइडिया ना वॉश। पानी डब्बे में लाना चाहिए था एक एक, ऐसे कैसे इसके अंदर बंद धोएंगे गिलास कप के अंदर। बोला माता जी की बॉटल में वहीं से भर लाएंगे कटोरी में। किसी का कोई सवाल कुछ क्वेश्चन करना है तो बहुत बात कर सकते हैं आप।
उसको वो करना है। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं शेडिंग में गुम हो गया, मुझे थोड़ी देर लगेगी आपसे बात करने में। एक्चुअली क्या है, शेडिंग के टाइम बड़ा ध्यान लगाना होता है ना, मेरा ध्यान सारा शेडिंग में है अभी। आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ कैनवास के ऊपर। अरे जादू हो रहा है, अपने आप ही कलर आ रहे हैं सारे ब्रश के अंदर, ये क्या हो रहा है? मैंने तो कलर लिया भी नहीं, अपने आप ही आ गया। एक ब्रश में तीन तीन कलर निकल रहे हैं अपने आप, तीन शेड। केसरिया पधारो मारदे, पधारो मारदे बस। हो गया 2 मिनट।
ओके एवरीबॉडी, ऑलमोस्ट माय पेंटिंग कंप्लीट। कैसा लगा आपको मेरा डेमो, प्लीज आप बताइएगा। ये बच्चों के लिए पेंटिंग है, आप लोग भी अगर बनाना चाहें बना सकते हैं इस तरीके का आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चे कहते हैं हमें भी कुछ करना है, तो आप ऐसा कुछ करवा सकते हैं। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट से जोड़िए, बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। एवरीडे पढ़ाई भी ज़्यादा बच्चों को दिमाग पे जोर डालती है, थोड़ा सा आर्ट से जोड़ के रखिए बच्चों को। ऐसी चीज़ बनाने में बच्चों को 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, जो भी लगता है लगने दीजिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा जोड़ के रखिए आर्ट से। अगर बच्चा पेंटिंग नहीं करना चाहता तो कुछ और कराइए, आप डाल सकते हैं उनके अंदर, बच्चों के अंदर जो चीज़ आप डालना चाहें। मिट्टी का बर्तन होता है बच्चा, जिस जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाएगा। म्यूजिक चाहते हैं, म्यूजिक करवा सकते हैं आप बच्चों से। प्लीज वीडियो शेयर कीजिए, इतना अच्छा बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाया है आप लोगों को हमने। कोई कमी लग रही है तो बताइएगा, तो मैं उसको अभी पूरा कर लूँगा। प्लीज़ टेल मी, जल्दी की वजह से अगर आपको लगता है कि कुछ अजीब लग रहा है आपको तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं बना रहा हूँ मुझे नहीं पता लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मैंने बच्चों के लिए बनवाया है ताकि जल्दी जल्दी बच्चे बना सकें, इसलिए मैं फास्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ बच्चों के हिसाब से। बहुत टाइम से बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं दिखाया, तो बच्चे देख सकें। कुछ कुछ रकमा सुन लो तुम, अच्छी अच्छी गुड़िया दे दो तुम, सारा जहां सो गया, चांद कहीं खो गया, कुछ कुछ रकमा अच्छी अच्छी गुड़िया, हैया 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 हैया, कुछ कुछ रकमा सुन लो तुम। माता जी कुछ कुछ रकमा मतलब नो नो मीनिंग वाई, कुछ कुछ रकमा नो नो तमिल, कुछ कुछ रकमा हम्म।
बच्चों के लिए छोटे बच्चे कर सकें, 12-15 साल के बच्चे कर सकते हैं इस आर्ट को। कैनवस, बटर पेपर्स, पेंटिंग, एवरीबॉडी, मुझे जाना होगा। विशाल जी मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। विशाल सर वेरी प्रोफेशनल। वाइट टच करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। ये तो थोड़ी थोड़ी देर का काम है, मेन काम तो ये भी कर रहा है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है मेरे पिया। एवरीबडी, यू एंजॉय माई पेंटिंग? माता जी, डार्क ब्लैक एंड रेड मिक्सिंग लिप्स लाइन, ओके। ओके एवरीबॉडी, चांस आर गोइंग टू हाउस। माता जी ब्लू ब्लू, क्या चीज़ की कमी लग रही है बता सकते हैं आप लोग? क्या चीज़ की कमी है, क्या रह गया मेरे फेस में जो इतना अधूरा अधूरा लग रहा है? सुना सुना क्यों लग रहा है फेस? ओ कोई बात नहीं, इट्स ओके। प्रीति बेटा, क्या रह गया फेस में? बिंदी लोगों से पूछा मैंने क्या रह गया है फेस में, तो कह रहे बिंदी। और क्या रह गया? तेरी बिंदी यारी, आए हाय तेरी बिंदी यारी, चैन लेने ना देगी सजन निंदिया। गोल्डन गोल्डन,
रे सजना तेरी बिंदियारी। तू आई है सजनी जब से मेरी बन के। एक्रेलिक कलर में फास्ट होता है काम, तो अच्छा लगता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। मैं बहुत कम करता हूँ एक्रेलिक, क्योंकि मेरे को एक्रेलिक में ना फास्ट काम करने का मन नहीं करता है, बहुत कम करता हूँ। फिर भी देखो मैंने कर लिया। आईज डेप्थ देखो, मैंने आप लोगों को कितना सिखाया है, बार बार सिखाया है, उसके बावजूद आप अच्छा फेस नहीं बनाओगे तो अल्लाह ही मेहरबान है। काफ़ी लोगों ने फेस स्टडी करी है मेरे से, मेरे को बड़ी खुशी है कि आप लोग अब और अच्छा कर पा रहे हैं। इन 3-4 महीनों में मैंने काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ सिखाया, मेरे को हज़ारों की तादाद में मैसेज आए थैंक्स के, और कई लोगों के मैसेज आए कि इतना मत दिखाइए, मगर मैं नहीं रुक पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं, इतना मत दिखाओ, इतना मत दिखाओ, इस तरीके के मैसेज बहुत आए, लेकिन देखिए जितना दिखा रहा हूँ उतना आप लोग सीख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। इससे आर्ट ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं दिखाऊंगा तो, दिखाऊंगा तो आर्ट ख़त्म थोड़ा ना हो जाएगा। देखिए ना कितना लोग, आप लोग जागे हैं, जो लोग सो रखे थे, जो सिर्फ घर के झमेलों में फंसे हुए थे और घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कितने लोग जुड़े हैं। राजस्थानी वुमन रेडी एवरीबॉडी? हमारी माता जी को नींद आ रही है, मैं चाह रहा हूँ फटाफट हो जाए कलर। यू आर स्लीपिंग माता जी। ओके, अब बार बार इसको अकेले को छेड़ नहीं सकती ना। चलिए अब बाकी कल करेंगे जो फिनिशिंग टच होगा। ओके एवरीबॉडी, हम पेंटिंग को कल फिनिश करेंगे। बाकी हमारे बच्चे ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट करें तो सुंदर लगेगा, बच्चे कर सकते हैं। आप लोग पिक ले सकते हैं, मैं आपको पिक के लिए टाइम दे रहा हूँ। बहुत मज़ा आया, इतना न्यू आर्ट था आप लोगों के लिए,
मुझे बड़ा अच्छा लगता है नया नया आर्ट करने में। बहुत टाइम बाद मैंने एक्रेलिक में कुछ फेस वगैरह बनाए हैं। ये तो वाटर कलर ऑयल कलर, वाटर कलर ऑयल कलर, ये साउथ में देखो कैसे है ना, ऑयल ऑयल फेस होता है इधर। ओके एवरीबॉडी, मेरे ऊपर भी है एक राजस्थानी फेस। मिलते हैं आपसे दोबारा, आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े रहिए, नई नई चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा। आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देना है, अपने क्राफ्ट को दिखाइए, चोरों की तरह मत देखिए, चोरों की तरह मत सीखिए, सामने आइए, अपना क्राफ्ट दिखाइए, और जितना हो सकता है अपने शहर में हमें बुलाइए, आपको हम बताएंगे अपना आर्ट एंड क्राफ्ट। मेरे पास आपके लिए बहुत सारा कुछ है दिखाने के लिए, मैंने अपने 17-18 साल आर्ट के अंदर दिए हैं, तो जितना खजाना मेरे पास होगा मैं आपके लिए लुटाऊंगा, आपको आर्ट एंड क्राफ्ट दिखाऊंगा, अच्छे से अच्छा सिखाऊंगा। अच्छा सीखिए, अच्छा सिखाइए, आर्ट एंड को बढ़ावा दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, चांसर ऑनलाइन। बाय बाय बाय।